जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व किया था और उसी के कुछ डिडक्शन भी किए थे, बट उसमें क्या है कि दो डिडक्शन हमारे शेष रह गए थे और मैंने आपसे कहा था कि हम अगले लेक्चर में उन दोनों डिडक्शन, जो अपने डिडक्शन हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बात करता हूँ मैं डिडक्शन जो अपना 5 है और एक है अपना 6। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिडक्शन 5 की। तो 5 नंबर के डिडक्शन में क्या है कि देखो, आपको ये पता है कि जब भी हम कोई भी, जैसे हमें एग्जांपल दे दिया और बाद में हमको कुछ डिड्यूस करने के लिए दे दिया, तो उसमें क्या करते हैं कि जो हमको एग्जांपल, जो हमने प्रूफ किया है उसका सॉल्यूशन किया है, उसी में कुछ ना कुछ पुट करके हम उन, जो हमें डिड्यूस करवाने के लिए बोल रहा है उन्हीं को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ देखो ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि आपको बी और म्यू के कुछ ऐसे मान पुट करने हैं जिनसे क्या है कि हमें जो ये डिडक्शन नंबर 5 है ये हमें प्राप्त हो जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको बी और म्यू के कुछ मान जैसे रखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब देखो सपोज करो कि बात कर रहा हूँ मैं इसकी, इसमें हम बी और म्यू के मान पुट करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो दिमाग में आ रहा होगा कि हम b बराबर 1 रख लें। भाई यहाँ पे क्या है, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर क्या है, 1। अगर हम b बराबर 1 रख लें, ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे ये आ रहा होगा पुट b बराबर 1, और यहाँ पे क्या है म्यू बराबर 1/2 रख लें। क्यों रख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि j और उसका जो ऑर्डर है 1/2 ax क्या होता है, √π/ax sin ax। तो ये कुछ हमारे माइंड में आ रहा है, बट यहाँ पे देखो मित्रों, अगर मैं ये यहाँ पे पुट करूँगा बी माइनस म्यू, गामा में जो अपना बी माइनस म्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं बी माइनस म्यू पुट करूँगा तो देखो ये कितना आएगा। अपना म्यू क्या है 1/2 और बी क्या है -1, मतलब यहाँ इसमें क्या क्या आ गया, -1/2, गामा में -1/2 आ गया। तो ये हम नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें करना क्या है, इन्हीं को क्या कर दो, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, मतलब b बराबर 1/2 ले लो और म्यू बराबर क्या ले लो, 1। ये याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, b बराबर 1/2 ले रहा हूँ और म्यू बराबर क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो क्या, जैसे ये वैल्यू मैं पुट करूँगा कहाँ पे, इस इक्वेशन में जो ये पूरा दिया हुआ है आपको एंगल ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे हो गया एंगल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर 1/2 और ये हो गया एक्स की पावर, देखो पी माइनस म्यू, बी क्या है 1/2 -1, तो माइनस का 1/2, जे म्यू क्या है 1 ax, और क्या आएगा यहाँ पे विद पैरामीटर पी। बताओ दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, वही सेम वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा। भाई पहले तो मैंने क्या किया, LHS साइड में पुट कर लिया, अब मैं वही सेम वैल्यू कहाँ करूँगा, RHS साइड में पुट करूँगा। तो देखो दोस्तों ध्यान से, b, अब b की पावर b है, p की पावर b है, तो p की पावर क्या आ गया हमारा 1/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इसकी पावर म्यू माइनस बी माइनस 1। ध्यान से देखो दोस्तों, म्यू 1 माइनस बी माइनस 1/2 माइनस 1 क्या आ गया, माइनस का 1/2 अपॉन में, और क्या है अपना 2, इसकी पावर भी -1/2, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया गामा 1/2 और ए की पावर म्यू बराबर गया 1 और एच ए माइनस पी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर 1/2 के लिए दिया हुआ है, इसकी मैं इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी इंटीग्रल फॉर्म लिख रहा हूँ। तो ये हो गया कुछ इंटीग्रेशन 0 to ∞ और एक्स जे हाफ पी एक्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर क्या है -1/2 और यहाँ पर आ गया j1 ax, ये क्या है अपना पूरा फंक्शन है, और क्या आ गया dx बराबर। अब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये p की पावर 1/2 ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की पावर -1/2 अपॉन 2 की पावर -1/2 और गामा
वन बाई टू ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि देखो x की पावर माइनस वन बाई टू है और x क्या है, वन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a और p को इंटरचेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, a और p को इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे j जिसका ऑर्डर वन बाई टू है पी एक्स है, यहाँ पे क्या है पी एक्स, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए साइन x। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो अपना j वन बाई टू ए एक्स क्या होता है, रूट टू अपॉन पाई ए एक्स साइन ए एक्स। ठीक है दोस्तों, हमको क्या चाहिए साइन ए एक्स, ना कि साइन पी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो p और a को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ। ध्यान से देखो दोस्तों, इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग p, ठीक है दोस्तों, और a बी है। देखो दोस्तों, मैं p और a को एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये आ गया क्या x j1 px और x की पावर माइनस वन बाई टू है, और ये हो गया क्या j की पावर वन, j ऑर्डर वन बाई टू ए एक्स। ये देखो दोस्तों, मैंने दोनों इंटरचेंज कर दिए p और a, और ये आ गया क्या डी एक्स बराबर a की पावर वन बाई टू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू अपॉन में क्या है टू की पावर माइनस वन बाई टू गामा वन बाई टू, और यहाँ पे p आ गया h p माइनस a। बताओ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो बात करूँ मैं इसकी, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी है। अब x की पावर वन है और यहाँ पे माइनस वन बाई टू है, तो x की पावर वन बाई टू हो गया ये। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। और देखो ये हो गया जे वन पी एक्स, एज इट इज लिख दो। अब ये रहा j और ऑर्डर वन बाई टू ए एक्स क्या होता है, रूट टू अपॉन पाई ए एक्स साइन ए एक्स। तो इसको हम लिखेंगे क्या, रूट टू अपॉन पाई ए एक्स साइन ए एक्स, और क्या आ गया डी एक्स बराबर। अब देखो ए की पावर क्या है वन बाई टू, और ये हो गया क्या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू अपॉन में देखो टू की पावर क्या है माइनस वन बाई टू, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा टू की पावर वन बाई टू। ठीक है दोस्तों, गामा वन बाई टू क्या होता है रूट पाई, और यहाँ पे पी आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो टू की पावर वन बाई टू को मैं रूट टू भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये रूट टू और रूट पाई है, ये दोनों इनसे ये कैंसिल हो गए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। तो अब आगे देखो, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे x की पावर क्या आ गया वन बाई टू जे वन पी एक्स, और ये देखो यहाँ पे क्या है कि वन अपॉन रूट एक्स साइन ए एक्स डी एक्स। अब भाई ये रूट ए कहाँ गया, तो रूट ए को मैं इधर ला रहा हूँ। देखो वन अपॉन रूट ए अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो इसके इंटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, क्योंकि a की पावर 1 बाई टू और a की पावर 1 बाई टू दोनों अगर बेस दोनों के सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया क्या a, और ये आ गया क्या अपना, देखो इसको आप नीचे भी ले जा सकते हो h p माइनस a अपॉन p रूट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है ना। अब हम इसको आगे देखो सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा और रहा है, और शायद मुझे आशा है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि हमने b और μ के मान, ये जो हमने अपने मन से जो लेट किए थे, तो ये हमें वन और वन बाई टू की जगह वन बाई टू और वन क्यों लेट किए थे, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो ध्यान से मित्रों,
ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ये आ गया क्या, जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स की पावर वन बाई टू जे वन पी एक्स, और ये अपना रूट एक्स है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी एक्स की पावर क्या हो गया माइनस वन बाई टू साइन ए एक्स और डी एक्स, कितना आ गया ए एच, और ये हो गया पी माइनस ए अपॉन पी रूट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या है कि अपने कुछ स्टूडेंट्स का अपना मन भी कर रहा होगा कि इन दोनों को यहाँ से हम कैंसिल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ वर्क अपने रिजल्ट को देखकर भी करना पड़ता है। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ हमें देखो एक्स के साइन एक्स के इंटू में एक्स की पावर माइनस वन लाना है, साइन एक्स के इंटू में एक्स की पावर माइनस वन लाना है। ध्यान से देखो दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, एक तो x की पावर 1 बाई टू इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक x की पावर 1 बाई टू में इसमें डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक तो x की पावर 1 बाई टू और एक कर रहा हूँ डिवाइड x की पावर 1 बाई टू, और ये हो गया x की पावर 1 बाई टू जे वन पी एक्स, एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू साइन ए एक्स, और ये आ गया क्या डी एक्स, और यहाँ पे आ गया a, ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया अपना, अपॉन में p रूट p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 टू इन्फिनिटी हो गया इंटीग्रेशन, x की पावर 1 बाई टू एक्स की पावर 1 बाई टू मिल के एक्स बना दिया जे वन पी एक्स, और यहाँ पे x की पावर 1 बाई टू है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ठीक है ना, न्यूमेटर में अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये x की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो गए x की पावर माइनस वन बन गया, और ये हो गया साइन ए एक्स डी एक्स, बराबर आ गया क्या, ये अपना एज इट इज होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यार ये फंक्शन है आपका, ये क्या है आपका फंक्शन है, और अब देखो ये कर्नल हो गया आपका, ध्यान से देखो ये फंक्शन हो गया, ये कर्नल हो गया। तो अब बताओ इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो एक्स जे वन पी एक्स है, एक्स जे वन पी एक्स है, मतलब क्या है इसका कि जब भी हम हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो जो अपना ऑर्डर ऑर्डर होता है अपना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे इस टॉर पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ इसके की, तो ये कितना हो गया जे वन पी एक्स, ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या है इसका वन है, तो ये कितना हो गया हेंकल ट्रांसफॉर्म, ऑर्डर कितना आ गया इसका वन आ गया, और अपना फंक्शन हो गया एक्स इनवर्स साइन ए एक्स, और यहाँ पर आ गया क्या डी एक्स, डी एक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा पी, और ये हो गया ए, ये अपना यूनिट स्टेप फंक्शन अपॉन पी रूट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बताओ दोस्तों, अब हमें ये रिजल्ट एज इट इज सेम प्राप्त हुआ या नहीं, बताओ, हो गया ना, तो ये अपना हो गया क्या प्रूफिंग हो गई इसकी LHS। दोस्तों अब हम जिस ये डिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये अपना जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 18 है ये, और इसका ये लास्ट डिडक्शन है, डिडक्शन नंबर क्या है 6 है, और बहुत ही अच्छा और मतलब कि लॉजिक वाला डिडक्शन है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई भी डिडक्शन हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एग्जांपल दिया हुआ है उसकी हेल्प लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं और डिडक्शन को हम फाइंड करते हैं। तो कुछ इसी तरह हम इसमें करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो ऊपर आपको इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से देखो मित्रों, नज़रें गड़ाकर देखो कि जो इक्वेशन यहाँ पे ऊपर दी हुई है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बी, देखो यहाँ पे जो ऑर्डर लेना है हमको, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जीरो लेना है, तो पुट बी बराबर जीरो एंड म्यू बराबर वन पुट कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो दोस्तों, वी गेट
तो यहाँ पे क्या है कि मैं बी बराबर जीरो और म्यू बराबर वन पुट कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा, बस जो हम पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे हैं वही कुछ मैं यहाँ पे इतना सा ही यूज़ ले रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, ये हो गया क्या है, हेंकल ट्रांसफॉर्म, ऑर्डर जीरो है अपना, और एक्स की पावर क्या है, बी माइनस म्यू। एक्स की पावर क्या है, बी माइनस म्यू, जबकि यहाँ पे बी बराबर जीरो है, तो एक्स की पावर माइनस वन हो गया दोस्तों, और जे वन ए एक्स। ठीक है दोस्तों, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, पी है, पी की पावर बी, पी की पावर जीरो क्या हो गया, वन, और ये हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की पावर क्या है, म्यू माइनस बी माइनस वन, म्यू माइनस बी माइनस वन। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे बी बराबर हमने जीरो पुट किया है, मतलब म्यू माइनस वन रह गए, म्यू बराबर वन है, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या है, टू की पावर वही जीरो हो गया गामा, म्यू माइनस बी वन हो गया गामा वन। ठीक है दोस्तों, और ए की पावर म्यू मतलब ए हो गया एच ए माइनस पी। तो क्या बच गया हमारा यहाँ पे, जो यूनिट स्टेप फंक्शन है अपना, अपॉन में ए, ये आ गया अपना यहाँ पे। और भी कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि ये तो अपना एल एच एस साइड है और ये क्या है अपना आर एच एस साइड। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट्रीगेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, नाउ इंट्रीगेशन, जो हम यहाँ पे इंट्रीगेटिंग कर रहे हैं इसको, नाउ इंट्रीगेटिंग विद रेस्पेक्ट टू ए बोथ साइड्स एंड टेकिंग लिमिट जीरो टू ए। ठीक है दोस्तों, तो वी हैव, यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान से, इंट्रीगेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो अपना एल एच एस पक्ष है, आर एच एस पक्ष है, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंट्रीगेशन कर रहा हूँ इसका, और जो अपनी लिमिट्स होंगी वो मैं जीरो से ए तक ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पे, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ किस में, इंट्रीगल फॉर्म में, तो देखो इस तरह होगा ना ये, इंट्रीगेशन जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, और आप क्या करना कि यहीं पे इसको लिख के उसके बाद जो आप लिख रहे हैं ना, वो इंट्रीगेटिंग बोथ साइड, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको जीरो टू इन्फिनिटी, और क्या होगा, यही स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, इसको मैं इंट्रीगल फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्स जे जीरो पी एक्स। ठीक है दोस्तों, और क्या बच गया अपना, एक्स की पावर माइनस वन जे वन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ गया क्या, डी एक्स बराबर, अभी मैं इसका इंट्रीगेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा था यहाँ पे जो स्टेप आएगी उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बन गया क्या, एच ए माइनस पी अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं इसका इंट्रीगेशन कर रहा हूँ ए के रेस्पेक्ट में, और जो मैं लिमिट ले रहा हूँ यहाँ वो होगा अपना जीरो से लेकर ए तक। तो ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया क्या, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखो एक्स से एक्स गया, ये बन गया क्या, जे जीरो पी एक्स, फिर यहाँ पे एक इंट्रीगेशन जीरो टू ए जे वन ए एक्स डी ए, और यहाँ पे आ गया क्या, डी एक्स दोस्तों। ठीक है, इसको चाहो तो आप मिडिल ब्रैकेट में बंद रख लो, और ये हो गया क्या अपना बराबर, इंट्रीगेशन जीरो टू ए एच ए माइनस पी अपॉन ए, और ये आ गया क्या, डी ए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अपना ये इंटीग्रल फॉर्म आई है इसमें मैं सबसे पहले ये सेपरेट फाइंड करूँगा, फिर ये फाइंड करूँगा, और इन दोनों को क्या करूँगा मैं, पुट करूँगा इसी इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को टॉप पर लिख रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको ये पता रहे, क्योंकि लास्ट में हमें क्या आएगी, इस इक्वेशन की नीड होगी।
तो दोस्तों मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जे जीरो पी एक्स, और यहाँ पर आ गया क्या, इंटीग्रेशन 0 टू ए जे वन ए एक्स, ये डी ए आ गया, ये अपना डी एक्स आ गया, बराबर कितना है 0 टू ए, ये अपना यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, अपॉन में क्या आ गया ए डी ए। ध्यान देना दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक तो अपना 0 टू ए जे वन एक्स डी ए इसको फाइंड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करूँगा, फिर इसका करूँगा, और इन दोनों को इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूँगा। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू ए जे वन ए एक्स, और यहाँ पे क्या है डी ए, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, कि मैंने कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखे तो सबसे पहले जो बेसल्स फंक्शन है इसको समेशन फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू ए समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा आर प्लस 2। गामा आर प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ऑर्डर है बी बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है बी प्लस आर प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया आर प्लस 2, और यहाँ पे आ गया क्या एक्स अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 2R, और यहाँ पे आ गया क्या डी आ गया दोस्तों, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई। अगर मैं बात करूँ इसकी नेक्स्ट स्टेप की, तो वो क्या होगी दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि जो अपना इंटीग्रल फॉर्म दी हुई है, समेशन फॉर्म भी दी हुई है, तो इसमें करना क्या है कि जो, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में, तो ए की टर्म्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रख लेंगे, बाकी की टर्म्स को बाहर ले आएंगे। तो देखो ध्यान से, ये हो गया क्या अपना समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा आर प्लस 2 हो गया, और देखो यहाँ पे आ गया वार एक्स अपॉन 2, और ये हो गया 2R प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हो गया 0 टू a, और a की पावर क्या है 2R प्लस 1, और ये हो गया क्या d है। बताओ दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा r प्लस 2, और ये भी एज इट इज़ लिख दो अभी एक्स वाई 2 टू आर प्लस 1। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये कितना होगा दोस्तों, देखो ये हो गया क्या a की पावर 2r प्लस 2 अपॉन में 2r प्लस 2, लिमिट क्या है 0 से लेकर ए तक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट हमारे पास क्या है a है, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे ओनली हम अपर लिमिट ही वर्क करेगी। तो ये हो गया क्या समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो r प्लस 2 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अपना होता है n गामा n, ये होता है गामा n प्लस 1, ठीक है दोस्तों। n गामा n क्या होता है, गामा n प्लस 1। तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना गामा r प्लस 1 प्लस 1, r प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया क्या r प्लस 1 गामा r प्लस। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत है क्या, इसमें बन गया ना। तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या r प्लस 1 गामा r प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब इसकी बात करूँ, यहाँ पे x की पावर क्या है 2r प्लस 1, x की पावर क्या है 2r प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर क्या है 2r प्लस 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करने की बात करूँ तो ये आ जाएगा क्या a की पावर 2r प्लस 2
अपॉन में 2R प्लस ये आ गया अपना। ठीक है दोस्तों, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक तो शायद आपको ऑलमोस्ट क्लियर ही हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे मैं रिप्लेसिंग कर रहा हूँ किसकी, R की, R माइनस वन से। तो रिप्लेसिंग R बाई R माइनस वन। ठीक है दोस्तों, बी गेट। तो अगर मैं R की रिप्लेस कर रहा हूँ R माइनस वन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो हम फाइंड कर रहे हैं क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू a जे वन एक्स, और यहाँ पे क्या है dA, यही निकाल रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, R को R माइनस वन से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो देखो कितना होगा, समेशन R बराबर 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर R माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो ये हो गया R गामा R, R गामा R हो गया। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या होगा, x की पावर जैसे ही R की जगह R माइनस वन पुट करूँगा तो ये हो गया क्या, 2R माइनस वन अपॉन में 2 की पावर भी कितना हो जाएगा, 2R माइनस वन, a की पावर कितना हो जाएगा 2R, क्योंकि देखो R पुट करूँगा 2R माइनस टू प्लस टू, तो ये हो गया कितना 2R, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2R। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 2R में जो 2 है ना, इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या, नहीं भाई, इस 2 की पावर क्या है प्लस वन, और यहाँ पे माइनस वन है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे देखो यहीं लिख रहा हूँ मैं, समेशन R बराबर 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर R माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन को मैं गामा R लिख सकता हूँ या नहीं, ये हो गया गामा R, और ये हो गया R गामा R। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 2R माइनस वन, a की पावर 2R अपॉन में क्या आ रहा है, 2 की पावर 2R, और जो अपना ये R था मैं इसको यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे R, जो अपना ये R शेष बचा था ना, इसको मैं यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे क्या होता है, बात करूं मैं इसकी, तो ये क्या है, अपन जो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 टू a जे वन ए एक्स डी ए, यही फाइंड कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे देखो r बराबर 1 टू इन्फिनिटी है, r बराबर कितना है 1 टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अपना माइनस 1 की पावर क्या है, r माइनस 1। अगर मैं बात करूँ इसमें माइनस वन को, जैसे एक तो माइनस वन की पावर आ रहे हैं, एक माइनस वन की पावर क्या है माइनस वन, तो इसकी पावर माइनस वन है, तो इसको मैं क्या नीचे ले जा सकता हूँ, प्लस वन हो जाएगा, मतलब एक तो माइनस रह गया अपना, ध्यान दो एक तो माइनस रह गया, इसी के कारण ये रहा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखो एक्स की पावर एक तो टू आ रहा है और एक माइनस वन है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ एक्स की पावर माइनस वन, तो ये भी क्या है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो माइनस का वन अपॉन एक्स हो गया ये दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, ये हो गया समेशन आर बराबर कितना है वन टू इन्फिनिटी, कितना हो गया आर बराबर वन टू इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस वन की पावर आर अपॉन में, यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे देखो R गामा R, R गामा R मैंने क्या कहा था आपसे, n गामा n क्या होता है, गामा n प्लस वन, और गामा n प्लस वन को हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, यहाँ पे R गामा R को क्या लिख सकते हैं,
गामा आर प्लस वन, और गामा आर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल आर, और इसको लिख सकते हैं हम गामा आर प्लस। बताओ कि दिक्कत है क्या दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, ये आ गया क्या, x की पावर 2r, a की पावर 2r अपॉन 2 की पावर क्या है 2r है, x की पावर 2r, a की पावर 2r और क्या है 2 की पावर क्या है 2r, तो ये बच गया हमारा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर r आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो r बराबर 1 टू इन्फिनिटी है, r बराबर कितना है 1 टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक कदम पीछे ला रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक कदम पीछे आ रहा हूँ, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा r प्लस 1, और ये क्या है अपना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर क्या है r है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कैसे लाए मैं इसको, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और आगे लिख दूँ, ये देखो 1 अपॉन x, ये मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, r बराबर 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और ये हो गया गामा r प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर क्या है r आ गया। अब ये लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे देखो जब भी मैं r बराबर 0 इसमें अप्लाई करूँगा, ध्यान से देखो दोस्तों, r बराबर मैं इसमें 0 अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये पूरा बन बन जाएगा ना, ये r बराबर अगर मैं इसमें 0 अप्लाई करूँगा तो ये बन नहीं बन जाएगा क्या, और अगर ये बन बन गया तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x ये दोनों कट जाएंगे। अब बताओ ये अपना रह गया क्या, नहीं, ये अपना जो ऊपर है ये एज इट इज़ नहीं रह गया क्या, तो बताओ मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ या नहीं, मैं एक कदम क्या आ रहा हूँ पीछे की साइड आ रहा हूँ, तो मैं अगर एक कदम पीछे को लेता हूँ तो मैं बताओ इसको इस तरह लिख सकता हूँ या नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है दोस्तों। ठीक है, बताओ ये समझ में आया या नहीं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने ऐसे क्यों लिया है, समझ में आ गया क्यों, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x। अब मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा r प्लस 1। मैं इसको कहूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको क्या, ax अपॉन 2 की पावर 2r, बताओ लिख सकता हूँ या नहीं, ax अपॉन 2 की पावर क्या 2r लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे बेसल्स फॉर्म फिर से प्राप्त हो रही है, जहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारा 0 है। देखो यहाँ पे क्या आता है, बी प्लस आर प्लस 1, मतलब बी बराबर यहाँ 0 होगा ओबियसली, यहाँ पे भी बी प्लस 2r है, लेकिन यहाँ पे ओनली 2r है, यहाँ भी 0 होगा, तो बताओ मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कैसे, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, और ये हो गया क्या j0 ax। ठीक है दोस्तों, और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस j0 ax अपॉन x। तो ये तो आ गया हमारा किसका, 0 to a j1 ax da का। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको जैसे कहीं भी लिख लो इसको, क्योंकि बाद में पुट करने के लिए इसकी नीड होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, 0 to a j1 ax da, कितना आया अपना, 1 माइनस j0 ax अपॉन x। आप यहाँ पे इसको सीधा ही क्वेश्चन में जिस तरह हम कर रहे हैं सीरीज़ वाइज, वो आप इसी तरह लिखना। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस बहुत ही कम है, अगर मैं इसको नहीं हटाऊँगा तो हम अगली स्टेप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने एक तो ये फाइंड कर लिया, अब नंबर आता है हमारा इसका क्या है अपना, इंटीग्रेशन 0 to a, और ये आ गया क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन
अब इसमें कुछ दिमाग लग रहा है क्या? एच ए माइनस वी अपना जो ये है जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसको मैं बताओ, एक तो वन और एक जीरो, दो मान होते हैं इसमें। वन कब होगा दोस्तों? यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वन कब होगा? जब अपना ए क्या होगा, ए अपना क्या होगा, पी से बड़ा होगा। ए क्या होगा? पी से बड़ा होगा, ध्यान देना दोस्तों। अगर ए हमारा पी से बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा होगा इससे, तो ये पॉजिटिव आएगा ना। और सपोज करो मैं अगर ए को कहाँ पी से छोटा ले रहा हूँ, ए को इससे छोटा ले रहा हूँ, तो वैल्यू यहाँ पे अंदर नेगेटिव आ गई, ठीक है ना। या इसको जीरो टू ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूँगा दो पार्टों में, तो एक तो हो गया ये जीरो टू पी यूनिट स्टेप फंक्शन प्लस पी टू ए। भाई यहाँ पे जो हमारी लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट क्या है, ए है, और इसने कोई बीच का पॉइंट दे दिया पी, मतलब आपको इसे दो पार्टों में डिवाइड करना है, उसकी आपको कंडीशंस भी दे दी। तो एक तो हो गया जीरो टू पी और पी टू ए हो गया, और ये आ गया क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन है अपॉन में ए डी ए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, अगर ये जीरो टू पी है, मतलब जीरो और पी के बीच में इसकी लिमिट्स लेते हैं हम, तो यहाँ पे जो ये एच ए माइनस पी है, ये हमारा जीरो बनेगा, मतलब ये अपना क्या बन गया, जीरो बन गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह हो गया इंटीग्रेशन पी टू ए, और ये हो गया वन अपॉन ए डी ए, ठीक है दोस्तों। और इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, जैसे हम इसको लॉग ए और लिमिट हो गई पी टू ए, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया क्या, लॉग ए माइनस लॉग पी, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना जो हम फाइंड कर रहे हैं क्या, जीरो टू ए यूनिट स्टेप फंक्शन ए माइनस पी अपॉन ए, ये हो गया डी ए, कितना आ गया अपना, ये हो गया लॉग ए अपॉन पी आ गया। अब इसी गेन टू में मैं एच ए माइनस पी भी लिख सकता हूँ, बताओ कोई दिक्कत है, एच ए माइनस पी भी लिख सकता हूँ ना इस गेन टू में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आ गया जीरो टू ए, जो हम ये फाइंड करें, ये आ गया लॉग ए अपॉन पी एच ए माइनस पी, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज आ गई, एक तो ये आ गई और एक आ गई अपनी इसकी जीरो टू ए एच ए माइनस पी अपॉन ए, कितनी आ गई है, एच ए माइनस पी लॉग कितनी है, ए अपॉन पी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो जैसे आप इसमें लिखना चाहो, पुट दीज वैल्यू इक्वेशंस डाल देना इसमें, और इसकी भी कोई इक्वेशन डाल देना इसमें, ये वैल्यूज़ क्या कर देना, पुट कर देना। तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, सपोज करो ये इक्वेशन ए है अपनी, और इनको भी आप कोई ना कोई इक्वेशन दे देना। तो यहाँ पे मैं लिख दे सीधा ही लिख रहा हूँ, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यूज को इक्वेशन ए में पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। तो कितना हो गया ये, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी जे जीरो पी एक्स, और ये अपना क्या आया था यहाँ पे, वन माइनस जे जीरो ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आ गया डी एक्स बराबर में, ये कितना आया था, यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, और ये आ गया लॉग ए अपॉन पी, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स को यहाँ पे ला रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, ये हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और ये अगर मैं इस एक्स को ऊपर लाऊंगा
तो ये हो गया एक्स माइनस वन इसकी पावर पी एक्स, और यहाँ पर आ गया क्या, वन माइनस जे जीरो ए एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। और ये अपना एज इट इज हो गया एच ए माइनस पी लॉग ए अपॉन। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे कि देखो मुझे यहाँ पे दो काम करने हैं इसमें, एक तो मुझे इसको हेंकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, और दूसरा मुझे फंक्शन यहाँ पे एक तो ये आ गया वन माइनस जे जीरो एक्स, और उसके साथ मुझे एक्स की पावर माइनस टू लाना है। ये कब पॉसिबल होगा दोस्तों, जब मैं इसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स को एक तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस एक इसमें एक्स से डिवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह बन गया जीरो टू इन्फिनिटी एक्स जे जीरो पी एक्स, और यहाँ पर आ गया एक्स की पावर माइनस टू, और ये अपना बन गया वन माइनस जे जीरो ए एक्स डी एक्स, ये अपना एज इट इज होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये अपना कर्नल हो गया, ये अपना फंक्शन हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर जीरो के लिए एंगल ट्रांसफॉर्म इसका क्या हो गया एक्स की पावर माइनस टू, और यहाँ पे इसको लिख दो क्या वन माइनस जे जीरो ए एक्स, और ये आ गया क्या पैरामीटर पी, यहाँ पे बड़ा कोष्टक ले लो, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया क्या यूनिट स्टेप फंक्शन, ये हो गया लॉग ए अपॉन पी। बताओ दोस्तों ये समझ में आया या नहीं। तो इसमें क्या है कि कुछ दो एक बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात क्या है कि जब भी हम इसका सॉल्यूशन या सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले हम बी और म्यू के मान रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, जिसमें लिमिट लेंगे हम जीरो टू ए, उसके बाद जो हमें ये दोनों प्राप्त हुए इनको हम अलग अलग फाइंड कर लेंगे और उनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे और हमें इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।